स्टार्टेड सर, आप यूट्यूब से लाइव जाओगे, मतलब गो लाइव पे क्लिक करोगे? वहां पे गो लाइव अभी आया नहीं है, ओके 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 आ गया भाई, स्टार्ट हो गया। सो वी आर लाइव, आई गेस वी आई आर लाइव। थिंक एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लाइव दिख रहे कि नहीं दिख रहे। यस यस वी आर लाइव। दिख रहे क्या मेरे को? कोई लिंक यस, भेजो मेरे में क्यों नहीं प्लीज़। आ रहा? मुझे मेरे में आ रहा है भाई। अच्छा शुभम सर, आप एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं ही नहीं, मज़ा आ गया। एक सेकेंड लेट्स चेक। सिद्धे सर आप प्लीज़ लिंक लिंक भेज देना ग्रुप पे, हमको दिख रहे नहीं हम लाइव। हाँ, मैं दिख गया, आ रहा है, आ रहा है, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। सिद्धेश सर के पास ना पहले चला गया, क्योंकि ऑडिट और लॉ का कनेक्ट होता है ना। माय गॉड माय गॉड, मैं अच्छा, जॉब छोड़ दूँ फिर। मिल मतलब गया मैं मिल क्या गया, करूँ, मुझे मैं मिल गया जाऊँ, मिल मुझे ही गया। मिल गया। दे रहा है दूसरा हाँ, है, AI बन गया। आ गया आ गया। दूसरा। तो आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव, सो वेलकम 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 एवरीवन। शुभम सर हेलो के चैनल पे एवरीवन। हमने धक्का डाल दिया। मैं सिद्धेश सर और शुभम सर आ चुके हैं आपकी मदद करने के लिए। यशिका, रशिका, हसल पॉइंट, हेलो हसल पॉइंट। पंकज, हेलो पावरफुल गर्ल, माय माय गॉड। हेलो ऑसम ऑसम एवरीवन, हैप्पी लोहड़ी अविनाश, टू ऑल अविनाश ऑफ आए। यू। हेलो आपको सर एवरीवन। गाना पता है? इसका गाना पता है? ऐसे होता है ना, सुंदरी मुंदरी ओए ओए, तेरा कौन बेचारा होए, धूला पट्टी वाला होए, धूले दी बीच ले आई होए, मैंने शक्कर पाई होए, सुंदरी मुंदरी बेबी कम डाउन कम डाउन। तो यार रिजल्ट, ये आकाश सर, रिजल्ट से पहले जाना चाहिए था ये गाना। अरे डीजे ओ भाई आकाश, साहब, हाँ लाइक इट। डीजे आकाश इन द हाउस। चलो सो वेलकम एवरीवन। आपके जो भी क्वेरीज है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स विच वी टीच, या फिर कुछ भी जनरल क्वेरीज है आपको प्रिपरेशन को लेकर, या May 23 आप नवंबर पूछ ट्वेंटी थ्री सकते एग्जाम हैं, को लेकर, आप पूछ सकते हो। वी आर देयर फॉर यू, हम रहेंगे इस एंड सेशन विथ में रिस्पेक्ट टू 3 बैचेस जो नेक्स्ट वीक आ रही है हम तीनों की, नेक्स्ट वीक आ रही है। विथ रिस्पेक्ट यस टू दैट ऑल्सो, इफ एनी हाँ, क्वेरीज आर बैचेस देयर। की कुछ क्वेरीज है। फास्ट ट्रैक में शुभम सर का बैच कैसा होगा, मेरा बैच कैसा होगा, सिद्धेश सर का बैच कैसा होगा, जो हमारा मेरा एग्जाम ओरिएंटेड है, सिद्धेश सर का रेगुलर भी है, शुभम सर का रेगुलर भी है, कुछ डिफरेंस है, जो भी आपको पूछना है प्रिपरेशन को लेकर, बैचेस को लेकर। सपोज आपको बुक्स के बारे में कुछ पूछना है, अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ पूछना है ना, तो आप पूछ सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है सर, एक क्वेरी आ रही है, ऑडिट का रेगुलर कोर्स कब आएगा? तो जो ऑडिट का नया रेगुलर कोर्स आएगा वो तब आएगा जब ICI अपनी तरफ से थोड़ी क्लैरिटी लेके आएगा, राइट यानी न्यू right. कोर्स की क्लैरिटी है, न्यू कोर्स की जो मटेरियल्स है, जैसी वो आएंगे उसके आप मान के चल सकते हो, +30 डेज के अंदर अंदर आपको नया कोर्स ऑडिट का मिल जाएगा, अनाउंसमेंट मिल जाएगी। एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आकाश सर का भी FR का बैच हम वैसे ही लेके आएंगे, एंड करेक्ट, सिद्धेश सर का भी मेरा लॉ तो वाला बैच मेरा तो कुछ ज्यादा ही अरे वेट है उसके हाँ ऊपर। हाँ मिरेकल। बाय चलो थैंक यू शुभम सर, गॉट 60 इन ऑडिट बिकॉज ऑफ योर बुक, अमन जैन कहते हैं। बहुत बढ़िया अमन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, एंड बस इसी तरह यार आगे बढ़ते रहो। और एक बच्चा हसल कह पॉइंट ने रहा क्वेरी है पूछी है टीचर। सर, एक मैं ले हाँ लेता हाँ वो बोलो क्वेरी। ले लो, ले क्या लो, ले लो। सर मैं क्या ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट की क्लास डेली साथ में देख सकता हूँ? आई मीन क्या ऐसा करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है आपको दिन में 2 सब्जेक्ट करने चाहिए, ठीक है? FR ऑडिट या FR लॉ उठा लो, और अगर मतलब एक थियरी प्रैक्टिकल बेसिकली ग्रुप 1 का, ठीक है? तो जैसे आप अगर फास्ट ट्रैक बैचेस देख रहे हो, आप मैं अज्यूम कर रहा हूँ शुरू करो स्क्रैच से और फास्ट ट्रैक बैचेस देख रहे हो, तो फास्ट ट्रैक बैचेस पहले आप 2 कंप्लीट कर लो, FR के साथ कोई एक, फिर SFM के साथ कोई एक, ऐसा। तो FR ऑडिट उठा लो, SFM लॉ उठा लो, ऐसा करके आप 2-2 करके कंप्लीट कर लो। टारगेट रखो कि एटलीस्ट आप, क्योंकि एक ग्रुप दे रहे हो तो एग्जाम के एटलीस्ट 40-45 डेज के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ताकि आप रिविजन कर सको। यस शुभम सर। सर ICICI से ना कॉल आ रही है, एक सेकंड में लेता हूँ। हाँ 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 प्लीज प्लीज प्लीज। यस, गजानन की एक क्वेरी है विच आई थिंक आई कैन टेक। सर अरे नहीं, सर MCQ, बलिम्बे अच्छा सर, एक सेकंड ना। हाँ वहीं से है। अच्छा, वो कह रहे हैं यार हम तो यूं ही बदनाम है, आपके बच्चे भी तो हमारी तरह ही हैं। मतलब वो कह रहे हैं हम CA में तो पास परसेंटेज कम रखते हैं, यहाँ पे लाइक परसेंटेज भी बड़ी कम चल ओ भाई साहब, ये रही आई लाइक दिस, ए है। वो कह बॉय। रहे हैं जितनी जितनी लाइक परसेंटेज होगी उतनी हम पास परसेंटेज May 23 और November 23 में रखेंगे। तो मैंने सोचा सर बता दें इन सबको। बिल्कुल उन्हीं का फायदा है। हाँ सर भलिम्बे सर आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। MCQ की आई थिंक क्वेरी आई थी, जो कि मुझे लगता है लॉ के लिए एक हेल्पफुल रह सकती है, कि जनरली स्टूडेंट्स का रहता है कि MCQs, एक चैप्टर हमने खत्म किया लेट से 3 दिन लगा के, उसके बाद प्रिंटेड MCQs हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, तो उस टाइम तो MCQs निकलेंगे। मेन अपने को ये भी देखना है कि अपना जैसे पेपर नंबर 4 ऐसी है फाइनल में, 3 सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी आप प्रेशर के थ्रू जा चुके हो, तो MCQs रादर देन डूइंग इट एट वंस आप थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में, जैसे मैं टेलीग्राम चैनल चलाता हूँ या किसी और फैकल्टी का कोई और तरीका है,
रादर देन डूइंग इट एट वंस, आप उसको 2-3 महीने के उस पर चलाओ, ताकि डेली आपका कीप इन टच स्ट्रेटेजी, जो मैं बोलता हूँ लॉ का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है कि मैं भूल नहीं रहा चीज़ें। तो ऐसा कुछ अगर आप एमसीक्यूज प्लान करोगे तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी ओवरऑल कंसेप्ट बिल्ड करने में भी, और छोटी छोटी चीज़ें भी टेस्ट होती रहेंगी, तो रादर देन डूइंग एट वंस। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर आप एक बार ये गाइड करो कि हमको ज्यादा देर तक ऑडिट कैसे रिटेन रहेगा। तो आई थिंक उस केस में मैं आपको यही बात बोलूंगा, जब आप क्लासेस करते हैं उसके बाद आप क्लासेस में ऑलरेडी कई सारी चीजें सीख लेते हैं, देन यू गो फॉर योर फर्स्ट टाइम रिविजन जिसमें आपको 10 से 15 दिन दे के चलने पड़ते हैं। दिक्कत ये आती है, हम फर्स्ट टाइम रिविजन के बाद ना उस सब्जेक्ट को छूते भी नहीं है। मतलब हम सोचते हैं कि इसके बाद हम एक सब्जेक्ट करेंगे, दो सब्जेक्ट करेंगे, एंड बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे तो सात सात सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद जाके फिर ऑडिट की वापस नंबर आता है। तो आई विल तो सजेस्ट ना ही सिर्फ ऑडिट बट लॉ के लिए भी मैं आपको यही बोलूंगा, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको कॉन्स्टेंट टच में रहना पड़ेगा। जब तक आप इनके साथ कॉन्स्टेंट टच में रहेंगे, आप आपके साथ जो आपकी जो इनके साथ रिलेशन है ना, ये बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होती रहेगी। जैसे देखो हमारी रियल लाइफ में भी होता है ना सर, आकाश सर अगर मैं आपसे 1 हफ्ता बात ना करूं तो क्या वो मतलब बात बनी रहेगी? नहीं, नहीं, जब तक हम रोज रोज बात नहीं करेंगे, कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तब तक वो वैल्यू नहीं बनती, वो रिलेशनशिप करेक्ट, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, राइट? राइट, सेम केस हमारे आई थिंक थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ है, ये ना बेवफा फुल हो जाते हैं अगर आप इनको ज्यादा टाइम ना दो। तो यू नीड टू कॉन्स्टेंटली स्पेंड आई थिंक 1 आवर 2 आवर्स एवरी डे विद देम। आप पहले ऑडिट जैसे ही अपना खत्म करते हो और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाते हो, तो रोज ऑडिट को 2-2 घंटे जब रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी इन टच, प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊंचाइयां छू जाएगा। हंड्रेड ठीक है, परसेंट ये बात आपने इंश्योर करके चलनी है। ऑडिट आपकी गर्लफ्रेंड की तरह, टाइम नहीं दोगे बुरा मान जाएगी यार, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, वैष्णवी कह रही है लेक्चर ऑडिट किए थे बट टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है एंड वीडियोस आर नॉट प्लेइंग फ्रॉम द पास्ट 3 डेज। वैष्णवी देखो आपके पास मेरा टेलीग्राम का डाउट सपोर्ट है, ठीक है, पूरे ग्रुप में वहां पे हम अवेलेबल रहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है कुछ भी आता है वहां पे आप मेरे को आके बोलो और फिर बताओ आपकी कोई क्वेरी सॉल्व नहीं करता तो मैं परफेक्ट, हाथों हाथ टेक्निकल के बंदे को कॉन कॉल पे लूंगा और आपका काम हो जाएगा। आप बात तो करो अपने आप से आके, आपको एटलीस्ट कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो क्वेरी रिजोल्व होगी। ठीक करेक्ट, है, एंड ये यस, टेक्निकल सर चीजें ऐसी है ना, ये हमारे हाथ में भी नहीं है, ये जनरली करेक्ट, क्या होता है, या तो बच्चे के कोई लैपटॉप में दिक्कत आ रही होती है, पीसी में दिक्कत आ रही होती है, और वो छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है जो बंदा 2 मिनट में सॉल्व कर देता है। राइट, तो आई होप वो चीज ठीक से क्लियर हो जाए। परफेक्ट। एक और यश है, यश यस का यस, एक क्वेरी है कि सर मेरा नवंबर 23 अटेम्प्ट है, तो मैंने लॉ एंड एससीएम पढ़ना चाहिए या नहीं? आई थिंक वी कैन वेट फॉर सम डेज, इफ आईसीएस नोटिफिकेशन कम्स इट विल प्रोवाइड सम क्लैरिटी रादर देन गोइंग इनटू बोथ दिस सब्जेक्ट्स एंड इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा अगर आप वेट करो यश, सो आई थिंक दैट वुड बी मोर फेवरेबल, बाद में विद क्लैरिटी पढ़ पाओगे रादर देन अभी कन्फ्यूजन के साथ जस्ट पढ़ने के लिए स्टार्ट करो। आप देखो सर कितने जेन्युइन है, चाहते तो बोल सकते थे खरीद दो। नहीं, मैं तो आज मेरे को जितनी भी क्वेरीज इस रिस्पेक्ट में आई है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मेरे को भी वो आउटपुट मिलेगा नहीं स्टूडेंट से अगर क्लैरिटी करेक्ट, नहीं रहेगी दिमाग में। यस। वैष्णवी कह रही है सर टेलीग्राम का कांटेक्ट बताओ, तो वैष्णवी आपके पास जो लिंक आए थे ना लेक्चर्स के गूगल ड्राइव के, उसी में वहीं होगा। पे आप नीचे जाओगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहीं से आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, प्लस अगर आपको तब भी अगर नहीं होता, आप मेरी मेल आईडी है CA Final Audit Class, फिर से बोल रहा हूँ CA Final Audit Class, उस पे आप अपनी बैच की रिसीट भेज दो, वहां से मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। गॉट इट। चलो सर अगला अगला कोई एक बढ़िया सी कोई क्वेरी उठाओ सर, कोई बढ़िया सी आपको सर लगता है को कोई उठा तो चीज। एक क्वेरी आई है, कहा है सर ए के सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ ग्रुप। मैं बना दूंगा, कल डाल दूंगा यूट्यूब पे, चिंता मत करो। ठीक है शुभम सर, 16th वाली जो सीए फाइनल की फास्ट ट्रैक बैच का कोई कनेक्ट रहेगा, और रहेगा तो कब रहेगा सर, प्लीज एड्रेस दिस क्वेरी। सर सिंपल सी बात है, अभी बैच को अनाउंस किया परसों, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना सर, आज ना क्लास ले ली, ठीक है, और बोलेंगे 1 घंटे बाद लिंक आया नहीं, नहीं आया, लिंक नहीं आई, अरे भाई मेरे को भी यही। किताबें नहीं आई, तो तुम्हारे घर के बाहर सेंटा क्लॉज थोड़ी छोड़ रखा है मैंने कि भाई हर बच्चे, और हम अंतर्यामी तो है नहीं कि तुम क्लास लेने वाले हो, जो तुम्हारी मेल आईडी हम लिख के बैठे और ट्वेंटी फोर तुम्हारा। आवर्स वेट किया था भाई। हाँ सर, मतलब पॉइंट ये है ना कि इनको ये लगता है कि आज हम बस लिए हैं और आज हमको मिल जाए, तो आई फील टाइम के थोड़ा सा वेट करो, टीम भी लगी हुई है, एंड आई थिंक ये जो टाइम होता है ना रिजल्ट्स वाला, स्पेशली इस टाइम पे एवरी वन हैज सो मच प्रेशर। फिर भी सर मैं आपको एक बात बताऊं, कल तक के जितने भी अपने ऑर्डर थे ना आज सारे डिस्पैच हो चुके हैं, टीम डिस्पैच से हो मैंने चुके, बात सही करी बात है, है। तो टीम इज वर्किंग डे एंड नाइट, वो आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रही है, एंड आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप के जितने भी कल तक के ऑर्डर थे सबके पास लिंक्स आ चुके हैं। आप अपनी मेल तो चेक करो यार, और ग्रुप में आपके पास पूरा ऑप्शन है, जो आपको क्वेरी पूछनी है आप पूछो, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। सही बात है, गॉट इट। और पूरी वीडियो बना के डालिए सर, 16th वाला जो बैच है उसकी पूरी 6 मिनट की वीडियो में सब डिस्कस कर रखा मैं है, आपको एक बात बताओ। बोलता हूँ, आपको फास्ट ट्रैक के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए ना, एफआर के फास्ट ट्रैक की वीडियो मेरे चैनल पे है,
लॉ के फास्ट ट्रैक के वीडियो सिद्धेश सर के चैनल पे, शुभम सर के फास्ट ट्रैक के वीडियो शुभम सर के रिस्पेक्टेड चैनल पे है। फास्ट ट्रैक के रिगार्डिंग प्लीज़ जाके जो भी डिटेल्स है वो देख लो, क्वेरी सॉल्व नहीं होती है फिर वहाँ नीचे आपको सपोर्ट वगैरह कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, कहीं ना कहीं पूछ लेना। सर शिवांगी की क्वेरी ले लो, कह रही है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे कमांड कैसे लेके आए। आप बताओ सर, आप एफआर के टीचर हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे कमांड लाने के आपको दो एकदम सिंपल से तरीके बताता हूँ। सबसे पहला है राइटिंग प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं सर पता है आपको, ऐसे किताब उठा लेंगे, सोल्यूशन देखेंगे और बोलेंगे हाँ ये आईसीए ने यहाँ बराबर किया है, हाँ ये आईसीए ने यहाँ बराबर किया है। अरे भाई किताब में तो बराबर ही किया है, तुम अपनी नोटबुक में कब बराबर करोगे उसको? तो राइटिंग प्रैक्टिस इज द की, पहला। सेकेंड जिस पे शुभम सर और मैं काफ़ी एम्फेसिस देते हैं वो है मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दोगे तो गलतियाँ मालूम पड़ेगी, गलतियाँ मालूम पड़ेगी तो आप उस पर और वर्क कर पाओगे, तो ये दो चीज़ आपको करनी चाहिए, दैट्स इट। एक एक क्वेरी है सर, प्लीज टेल मी हाउ टू बैलेंस टाइम बिटवीन न्यू क्लासेस एंड रिवाइजिंग द फिनिश क्लासेस। देखो फिनिश क्लासेस मेरे हिसाब से, मतलब जो मैंने स्ट्रेटेजी लगाई थी कि मैं ये बोलता हूँ कीप इन टच स्ट्रेटेजी मेरे प्लान्स में, कि अगर जैसे मेरे 3 भी सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं और मेरे 2 नए चल रहे हैं, तो मैं 3 का कुछ ना कुछ 20 मिनट रात को, बेशक कि 1 घंटा वो मैं पढ़ाई नहीं मानता था, कुछ ना कुछ मुझे देख के सोना है, मतलब आंखों के सामने से जाना चाहिए। बेशक लॉ मेरा ऑल्टरनेट गया, साइकोलॉजिकली एक रहता है कि यार मैं भूल नहीं रहा चीज़ें, एंड यू कैन पिक लिटरली एनी थिंग विच यू फाइंड कम्बरसम इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में पीई है, अब मैंने दो पेजेस भी पढ़ लिए ना, स्टिल मुझे हफ्ते के एंड में लगेगा यार 6-7 चीज़ें आज मैंने कर ली, मतलब भूला नहीं मैं, तो वो चीज़ें करते रहनी है, वरना फिर वो गैप जो शुभम सर ने बोला गैप रहेगा और बाद में लगेगा कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट एकदम नया है, मैं भूल चुका हूँ। करेक्ट सर। एक बढ़िया क्वेरी आई है मेरे पास पार्थ शाह की, सीए फाइनल के बेस्ट फैकल्टीज बताओ। तो हम एक एक करके एक एक फैकल्टी बताएंगे। सुनो मैं बताता हूँ, मुझे ऑडिट का पता है, तो ऑडिट में शुभम केसवानी सर बढ़िया है। अब शुभम सर लॉ का बताएंगे, शुभम सर आप बताओ लॉ में कौन बढ़िया है? सर मैं तो कह रहा हूँ लॉ में सुरेश वलिम में जैसा फैकल्टी कोई है ही नहीं, ठीक सर है। एफआर का तो आई थिंक सब गेस कर ही सकते हैं जो हमारे सामने बैठे ही है करके, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेक द अब नेम। हम तीनों मिलके बोलते डीटी के लिए बढ़िया फैकल्टी कौन है? वो तो हम बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ हाँ रहा। सर देखो 50 में से 55 रैंक्स जिनकी आगे हमें लगता नहीं उनका नाम लेने की भी जरूरत है बस यहाँ पे, भाई ठीक साहब है। सही बात है, बच्चा कह रहा है सर, एक डॉक्टर स्ट्रेंज करके ना एक मार्वल बच्चा आया है, ठीक है, ठीक वो है। कहता है सर मैंने फास्ट ट्रैक का बैच ऑर्डर किया है, बुक कब तक मिल जाएंगी मेरे दोस्त? 3 से 4 दिन लगेंगे बुक मिलने में। एंड रही बात लाइव की, हाँ जब बोला है लाइव बैच है तो ये लाइव ही रहेगा, ठीक है, हम वो वाले फैकल्टी नहीं है कि बोला है सर रूम फ्रेशनर देंगे और दे दी अलार्म क्लॉक, तो ऐसा नहीं है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, वो जैसा बताया वैसा ही रहेगा। एंड आई थिंक सारी वीडियोज यूट्यूब पे है जिसपे अपन ने पूरी क्लैरिटी दे रखी है हर चीज को लेके। स्वप्निल ने करेक्ट पूछा करेक्ट है एके सर के ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं क्या? तो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑनगोइंग है जो ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है, तो वो आप ले सकते हो, उसमें 50% आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और बाकी जो 50% है वो एज एंड वेन अभी बैच चल रही है तो वो लेक्चर्स गूगल ड्राइव पर अपलोड होते हुए चलेंगे। और फास्ट ट्रैक आपको रिकॉर्डेड में चाहिए तो फास्ट ट्रैक अभी जो शुरू होगा वो रिकॉर्डेड डेली बेस पर अपलोड होता हुआ चलेगा, इट इज स्टार्टिंग ऑन 18th of January, ठीक है। सर मैं एक डाउट ले लूं, हाँ प्लीज, सीए इंटर मैं लेने वाला ऑडिट, था वो, हाँ आपके लिए था वो, हाँ बराबर पूछो हाँ पूछो वही मैं पूछो। सोच रहा हूँ, सीए इंटर ऑडिट का बच्चा पूछ रहा है फास्ट ट्रैक और रेगुलर में क्या फर्क रहेगा। वही फर्क रहेगा जो हम फाइनल में रखते हैं। फास्ट ट्रैक में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने एक बार जो है ना रीडिंग कर रखी है किताब की, ठीक है, एटलीस्ट वंस यू हैव डन द ऑडिट कोर्स। तो आपको क्या चाहिए, आपको इट्स जस्ट दैट यू नीड द मेमोरी टेक्निक्स, यू जस्ट नीड द इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। एक बार मैं वो करा देता हूं तो साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें स्क्रैच से चाहिए सर पूरा का पूरा कोर्स, हमें कॉन्सेप्ट बताओ साथ साथ हमें इंटरलिंकिंग भी कराओ मेमोरी टेक्निक्स भी दो और फिर हमको क्वेश्चन बैंक वाले सेशन भी चाहिए, तो अगर आपको इतनी सारी चीजें चाहिए तो देन यू शुड गो फॉर रेगुलर। एंड सर हमने प्राइजेस में भी डिफरेंस नहीं रख रखा, 3500 में आज की डेट में जो ऑफर चल रहा है 16th of January तक, 3500 में फास्ट ट्रैक है, 4500 में रेगुलर है। और 4500 रेगुलर ना 10 साल पुराना नहीं है, 10 दिन पुराना ही है, हमने दिसंबर में ही सर स्टार्ट किया था रेगुलर बैच। तो करेक्ट अगर आपको लगता है आपने स्क्रैच से ऑडिट पढ़ना है, अराउंड 40 लेक्चर्स होंगे, दो दो लेक्चर भी आप रोज देखोगे तो आराम से 20 दिन के अंदर आपका ऑडिट पे कंफर्ट आ जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो भाई साहब मैं ऑडिट एक बार देख चुका हूँ, एक बार खुद सेल्फ स्टडी कर चुका हूँ स्टडी मटेरियल से, बट मेरे को कंफर्ट नहीं आ रहा, देन यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक, बट साथ साथ क्वेश्चंस आपको फिर करके चलने पड़ेंगे। सर। एक क्वेरी है मैं आप दोनों से पूछूंगा, एक बच्चे ने पूछा है लॉ के फास्ट ट्रैक का ड्यूरेशन कितना है, तो सिद्धेश सर प्लीज आंसर कर दीजिए। लॉ का अपना जाएगा अप्रोक्सीमेटली 95 to 100 आवर्स, ठीक है बिकॉज रिकॉर्डेड वॉज 80 आवर्स, सो आई एम टेकिंग 15 आवर्स अप्रोक्स एंड सही है एडिशन फॉर लाइव इंटरेक्शन, सही है। सो कर लेंगे हम उसके अंदर। शुभम सर ऑडिट का भी पूछा है उसने, ऑडिट के फास्ट ट्रैक का ड्यूरेशन यार ऑडिट का फास्ट ट्रैक सीए फाइनल की अगर मैं बात करूं तो इट इज अराउंड 90 आवर्स, 90 आवर्स, परफेक्ट, सिंपल सी बात है। डन एंड मैं आपको एक बात बोल देता हूँ सर, मेरे को कितने बच्चों की रिक्वेस्ट आती है ना 30 आवर्स और 40 आवर्स की, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस क्वालिटी को हम 90 आवर्स में डिलीवर कर रहे हैं ना
हमारे जितने 70+ स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम फास्ट फास्ट ट्रैक ट्रैक है, सर इवन मैंने रैंक में डाला। भी फास्ट हाँ यही मैं कहने वाला था, रैंकर भी है फास्ट ट्रैक वाले। ट्रैक वाले। अब तो ये है कि क्वालिटी पूरी मिलेगी, कॉन्सेप्ट सारे मिलेंगे, बट हाँ मैं जस्ट टू प्लीज यू वो वाला टीचर नहीं बनना चाहता कि 30 घंटे 40 घंटे में ऑडिट करा देंगे। बिकॉज पॉइंट क्या है ना सर, आप हो, मैं हूं, वलिम्बे सर है, हम यहाँ पे टीचिंग करने के लिए बैठे हैं, इसी से सर हमारा घर चलता है। और घर सर एक दिन दो दिन नहीं धोखा चलाना, नहीं दे अपन तो सकते जिंदगी ना, जीने आए हैं। सही बात हाँ है, लंबा खेल लॉन्ग रहे हैं। लॉन्ग रन के लिए बैठे हैं सर यहाँ पे, तो करेक्ट। आई वही है। थिंक अच्छा सर नहीं लगता हमने कि बच्चा आके बोले पढ़ाया नहीं तमीज से। हमने नवंबर 22 के भी पेपर देखे, खासकर लॉ के लिए। सो अब एमसीक्यूज जो शायद हमें पहले लगता था ना कि एमसीक्यूज लाओ, मतलब जैसे पेपर इश्यूज है, चेकिंग में इश्यूज है, अब वो चीज़ थोड़ा एक अलग भी उसका एक फैक्टर है, दैट इज दे कैन गो वेरी कंसेप्चुअल एंड वी कैन नॉट डू कि मतलब थोड़ा बहुत लिख के आ जाओ, सब्जेक्टिविटी से मार्किंग मिल जाएगी। सो एमसीक्यूज की वजह से आई थिंक ये लॉ जैसा सब्जेक्ट और भी, एंड वी हैव टू गो कम्प्लीटली कंसेप्चुअल, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन 30 to 40 आवर्स इन एनी केस, नीदर फॉर ऑडिट नॉर फॉर लॉ। सर एक डाउट है, मई 24 में इनका अटेम्प्ट है, कह रहे हैं कौन कब लेक्चर्स बाय करने चाहिए। तो आई तुरंत, थिंक हाँ तुरंत बाय करने चाहिए, एंड यू शुड स्टार्ट विद आइदर एफआर और एसएफएम, इन दोनों करेक्ट, में से किसी ना किसी एक टॉपिक के मतलब सब्जेक्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेटिव और फॉरेक्स या फिर इंडेस, ये दोनों चेंज करने हमेशा वाले एक हैं। जैसी रहेंगे, तो करेक्ट बेटर है करेक्ट आप एफआर करेक्ट एसएफएम के करेक्ट। साथ स्टार्ट करो, तब तक नोटिफिकेशन आईसीए की तरफ से आ जाएगी। सर आई एक और क्वेरी है, थिंक मैं पूछता हूँ आपके तरफ से। सिद्धार्थ ने पूछे सर, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड और बोर्ड, स्पेशली फॉर ऑडिट एंड लॉ। तो सर मैं ऑडिट उठाऊं, मैं ऑडिट हाँ उठाता उठा हूं, लो ठीक सर, फिर है। लॉ उठा लेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब ऑडिट की जब आप किताब उठाते हो ना, तो इसको दिल से उठाओ, ऐसे दिल पे लगा के ना इसको प्यार करो। हाँ, पूरे इसकी ना आपने फील लेनी है, और उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो ना, आपने कुछ भी नहीं करना। हाँ देखो सर एफआर की भी अब लगा मेरी लिया, बुक उस रूम में, अभी नहीं ला रहा ठीक मैं। है। उसके बाद आप जब भी जो चीज पढ़ रहे हो उसको ना पूरी शिद्दत से पढ़ो। देखो जैसे मैं सर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का एक टॉपिक आता है, विलिम्बे सर की बुक में भी होगा क्योंकि एलओडीआर है तो कॉमन है। करेक्ट, तो कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इससे पहले मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ता हूँ ना, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात ही नहीं होती, इसमें होती है। तो फील लो इस बात की, यार वहां पे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं की थी, इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पे ये इंटरेस्टेड नहीं है। फिर कहता है सर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो लिंकिंग करके चलनी पड़ेगी। मेरे को ये लगता है जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको हर चीज को लिंक लिंक करके चलना पड़ता है और अलर्ट रहो। और रही बात सर बोरिंग की या ना बोरिंग की, इतनी सी बात बस दिमाग में रखो दैट जब तक आप चीजों को इन्वॉल्व होके पढ़ोगे, बोल बोल के पढ़ोगे, तब तक कुछ बोरिंग नहीं लगता। मतलब क्या है ना सर, सपोज दे विल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, इस ट्वाइस अ ईयर को जब तक आप इमेजिन करोगे ना, अच्छा मतलब एक बार मिल लिए, इसका मतलब अगली बार जब ये मिलेंगे 6 महीने के बाद मिलेंगे, तभी साल में 2 बार ऐसे होगा। तो ऐसे करके थोड़ी सी फील लो, प्लस नॉट मोर देन 180 डेज शैल लैप्स बिटवीन द, मतलब पूरी फील ले लेके अगर आई थिंक आप पढ़ते हो तो मजा आता है। प्लस हम सर क्लास में तो यही रहता है, जितनी मेमोरी टेक्निक्स है वही सब यूज कर करके पढ़ते हैं, तो ताकि ऑडिट को और इंटरेस्टिंग बना सके और उसमें और मसाला डाल सके। तो आए तो फील की इसी तरह से लॉन्ग आवर्स आप पढ़ सकते हो, प्लस टारगेट लेके चलो। एक पेज किया, फिर 2 पेज किया, फिर उन दोनों पेज को रिवाइज किया, फिर 3rd पेज किया, फिर 4th पेज किया, फिर 4 पेजेस को रिवाइज किया, तो उससे कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हाँ मेरा कोर्स हो रहा है। बाकी वलीम में सर आप बताओ कैसे करना सर चाहिए और। मेरे आई थिंक दो इनपुट्स है इस वाले स्पेसिफिक क्वेरी पे। फर्स्ट, जैसे थोड़ा सा इन द लाइंस ऑफ व्हाट यू सेड कि लॉ है, जैसे अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि कहीं ना कहीं आज आप एक कंपनी में हो एज अ क्वालिफाइड सीए, एंड मे बी पीपल आर कमिंग टू यू एंड आस्किंग कि भैया मैं डायरेक्टर हूँ और मेरा ये केस है। अब वो इंसॉल्वेंट को ऐसे नहीं कि मैं पढ़ना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है इंसॉल्वेंट, एक्चुअल में सोचो एक डायरेक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है फाइनेंशियल और ये 164 में आ चुका है, तो डिसक्वालिफिकेशन है। अच्छा डिसक्वालिफिकेशन हुआ तो छोड़ना पड़ेगा, वो 167 है, तो कहीं ना कहीं वो जो कंसेप्ट वाली बात है वो आपके साथ ही है। और दूसरा, लग रहा है सपोज बोरिंग, क्यों ध्यान देना इतना, उसको टैग क्यों दूं मैं कि यार ये बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, बोरिंग वाले के लिए लेट्स सीक मोटिवेशन ऑन यूट्यूब। वाय बोरिंग है लेकिन पढ़ना है, क्योंकि लाइफ लाइन आपको नहीं कह रहे हम LLB करो 5 साल की, आपको नहीं कह रहे हम ऑडिट पढ़ाओ, बस पेपर के लिए जरूरी है उतना पढ़ के आगे निकलो। रोज सुबह उसको हम सोचेंगे ये बोरिंग है और इसके लिए मुझे स्ट्रेटेजी लगानी है और मुझे ये सोचना है, उसकी जगह आपकी आधी पढ़ाई हो जाएगी शायद ऑडिट लॉ की। तो ये दो फैक्टर्स अगर आप ध्यान रखोगे, बिकॉज एवरीथिंग विल नॉट बी इंटरेस्टिंग, 8 सब्जेक्ट कैसे इंटरेस्टिंग होंगे, मतलब फिर कुछ गड़बड़ है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा ना ऊपर सर नीचे। इंटरेस्टिंग सब है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सर इंटरेस्टिंग सब है, बस आपकी ना नीयत सही होनी चाहिए। मेरे को क्या लगता है ना, एज अ स्टूडेंट अगर आपकी नीयत सही है ना हर चीज को लेके, एवरी थिंग इज करेक्ट इंटरेस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। बच्चे कहते हैं सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोरिंग है, ठीक है, कहते हैं सब कुछ एक जैसा है, तुम्हें तुम पढ़ी सब कुछ एक जैसे रहेगी तरह रहोगे तो तुमको बोरिंग लगेगा ही ना। तुमको सर बच्चे बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को इट इज अ बिग एरर। अब अरे बिग एरर कैसे बोल रहे हो तुम, मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू एरर और इट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड।
करेक्ट मतलब तो समझो। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो वर्ड्स है, मटेरियल का क्या करेक्ट मतलब है? करेक्ट करेक्ट आज करेक्ट मेरे लिए जो मटेरियल हो सकता है सिद्धेश सर के लिए ना हो, आज जो आकाश सर के लिए मटेरियल है वो मेरे लिए ना हो, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो जब तक आप वो चीजों के मतलब नहीं समझोगे आपको उनका रस नहीं मिलेगा, और जब तक रस नहीं मिलेगा सब कुछ बोरिंग बोरिंग ही लगेगा। काला अक्षर भैंस एक बराबर। बराबर, हाँ वो भैंस बराबर, सही देखो बात है। अभी अब शुभम सर ने आपको कितना अच्छा डेमो दिया कि शुभम सर कितना इंटरेक्टिवली क्लास में पढ़ाते। गो भाई इस फास्ट ट्रैक। सर एक ना डाउट आया था ना वलिम्बे सर आपके लिए, कि हाँ जी लॉ लॉ को डायरेक्टली हमको 7-8 दिन दे के पढ़ना चाहिए या रोज 3 घंटा पढ़ के रिवीजन करनी चाहिए? आई एम गुड इन द क्वेश्चन। फेवर ओवर अ लॉन्ग टर्म, ताकि माइंड डेली 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 थोड़ा थोड़ा थोड़ा, 7 घंटे 8 घंटे इतना क्लटर हो जाएगा ना कि हम कभी मजा नहीं कभार, आएगा। कई जने ऐसा भी सोचते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट 2 दिन में पूरा खींच दूंगा, पर वो इतना ज्यादा ओवर हो जाएगा ना आपके। अब जैसे मनपसंद की कोई चीज है खाने की, अगर आप 10 दिन खाओगे नहीं पसंद आएगी, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत जरूरी है अपने सीए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में। सो वो चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी चीज लॉन्ग टर्म पे चलाओ, बेशक थोड़ा थोड़ा करो, और माइंड एकदम कॉन्फिडेंट रहता है, खासकर अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स में। सर इसमें ना मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखूं क्या? बिल्कुल प्लीज बिल्कुल, प्लीज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, एवरी फैकल्टी इज डिफरेंट। सर, इसमें ना आई फील कि कहीं ना कहीं 1.5 दिन में ना वो सब्जेक्ट मेरे को खुद ही पढ़ना है पूरा, करेक्ट और उसके साथ ना मैं कुछ और नहीं उठा सकता, और 1.5 दिन में वो तभी कर पाऊंगा जब मैं 3 दिन में कर पाऊंगा। नहीं ओके, सो यू आर मतलब मॉक टेस्ट की तरह आपके लिए वो ले होगा मैं कि मैं मॉक करके टेस्ट भी देखता नहीं, हूँ। हाँ मतलब मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ, वो 1.5 दिन में तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं 3 दिन में कर पाऊंगा। अगर मैं 3 दिन में नहीं कर पा रहा तो मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि मैं वो 1.5 दिन में कर पाऊंगा, और मैं 3 दिन में तब कर पाऊंगा जब मैं वो 6 दिन में कर पाऊंगा। वैलिड वैलिड, दैट इज ठीक ऑल्सो वन है, कोर्स ऑफ तो एक्शन, मेरा तो यस। ये मानना है कि जब तक आप वो बड़े से छोटे टाइम पीरियड पे नहीं आते हैं ना, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता 1.5 दिन को लेके। एंड यही वजह है जिस वजह से 1.5 दिन में बच्चों से ना पूरा सब्जेक्ट होता नहीं है। यस मैंने मे बी, पर्सनली ऐसे किया था इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ, ठीक है? हाँ मे बी आपके हम पॉइंट ऑफ लास्ट, व्यू सही हो सकता है। नहीं हाँ मे बी हम ये कर सकते कि लास्ट मंथ में एक बार अटेम्प्ट जरूर करें कि 3 दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड पहले हम उसको रेगुलर रखें, क्योंकि बच्चे अगर क्लास पहले ले रहे हैं 6 महीने 8 महीने पहले, तो उसको रेगुलर रखें, और उसके बाद 3 दिन 6 दिन वाली चीज़ पे आ जाए एक नेक टाइम। करेक्ट सर। एक राइट क्वेरी थी श्रेया ने पूछी थी शायद वो पहले, कि FR में मैंने इस बार भी 85+ अटेम्प्ट किए फिर भी मेरे 40 के ऊपर नहीं जा रहे। अभी श्रेया मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अटेम्प्ट करने से मार्क्स की गारंटी नहीं होती। ऐसे तो अटेम्प्ट हर कोई 100 मार्क का करता है, 100 मार्क क्यों नहीं आ रहे उसको? आप कितना परफेक्टली अटेम्प्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट है, आपने कितना ढंग से अटेम्प्ट किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कि आपने वैसे अटेम्प्ट किया जब आपकी बैलेंस शीट टैलीड थी, पूरे पूरे स्टेप्स आपने लिखे थे, सारे अपने प्रोविजंस कोड किए थे, आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए थे, वैसा नहीं होता है, राइट? तो अटेम्प्ट कितना किया वो मत देखो, इफेक्टिवली कितना अटेम्प्ट किया, आता कितने का था वो देखना है आपको। और अगर आपको FR में क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज पहले कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे फोकस करो, फिर सेकेंड पॉइंट जैसे एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, स्टे क्वेश्चन ओरिएंटेड। एक बार कंसेप्ट बेसिक क्लियर, क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आप FR में जब अटेम्प्ट करोगे आपको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, है ना? सर एक बच्चा कह रहा है ना, शुभम सर आप ना अपनी बुक की ना PDF शेयर कर दो, और फिर अच्छा ना सर मेरे पास कॉल आएगा मेक माई डिलीवरी का, हाँ ठीक है? मतलब फ्रेंकली मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, बच्चों को ना कदर नहीं है, मैं फ्रेंकली अगर मैं बोलूँ ना सर मैं बोलूँ, मेरे मेरे पास एक जवाब है इसका, बताता हूँ मैं आपको कैसे ना। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर राइट आप जैसे है ना अपनी क्लासेस की फीस है ना ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। मतलब आपने जब शुभम सर पढ़ा होगा ऑडिट वगैरह, आपने 10-12 हज़ार FR के लिए, आपने करेक्ट 20 हज़ार पे किए होंगे, सिद्धेश सर आपने भी वैसे बार के लिए बीस करेक्ट हजार बिल्कुल बराबर सर ये पे किया होगा। अब जब अपन रखते 6 हज़ार प्राइस, तो अपने को बोलते हैं सर आप है ना डिस्काउंट दे दो, आप फ्री में पढ़ा दो। मैं बोलता हूँ जो भी फ्री में पढ़ना चाहता है, तुम CA बनने के बाद मेरे लिए फ्री में काम करोगे क्या? 10 साल तक फ्री में बिना पकड़ के काम करोगे मेरे लिए? तो मैं पढ़ाता हूँ फ्री में तुमको, नहीं बिल्कुल करोगे सही ना? बात है तुमको CA बन के कमाना है लाखों में, और तुमको हमको 2-3 हज़ार रुपये देने नहीं है बराबर? तो वैसा नहीं पॉसिबल है ना। तुम अगर कल को कोई मेहनत करोगे, कॉपीराइट कंटेंट डालोगे, शुभम सर की बुक कॉपीराइटेड है, वो PDF लीक कर देंगे तो खत्म हो जाएगा ना कहानी यार। थोड़ा प्रोफेशनल बनो यार। सेम सेम सर सेम, पता है पॉइंट क्या है ना, मैं बता रहा हूँ अभी भी ये लोगों को ना सोच में ना बढ़ नहीं पा रहे, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, जिस दिन हमारी सोच बढ़ जाती है ना उस दिन हमारे रिजल्ट भी बढ़ जाते हैं, बस। फ्रेंकली अगर मैं बोलूँ तो। प्रतीक बट क्या कर पूछता सकते हैं, है ठीक है? आकाश सर न्यू बुक CA फाइनल मे 23 के लिए डिस्काउंट कब अवेलेबल होगा ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फेल हुए हैं? ओल्ड हो या न्यू हो प्राइस सबके लिए कॉमन रहती है, हम भेदभाव में बिलीव नहीं करते, राइट? तो वो मेक माई डिलीवरी पे अवेलेबल है, वो अभी कुछ प्री बुकिंग ऑफर चालू है, सिर्फ मेरी किताब नहीं शुभम सर की भी अवेलेबल, और सिद्धेश सर के लेक्चर्स भी वर्चुअल पे अवेलेबल है, देख लेना आपको अगर कुछ चाहिए रहेंगे तो।
जिसके पास नवंबर 22 एडिशन है, दैट इज द पीली वाली बुक, ठीक है, येलो येलो डर्टी फेलो वाली बुक, ठीक है, वो उसको कोई जरूरत नहीं है टू स्विच टू द न्यू एडिशन, दैट इज द ग्रीन एडिशन ऑफ द बुक्स, बिकॉज ऑडिट में मेजरली ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है. जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आरटीपी मई 23 में आएंगे, तो दैट वी विल ऑलरेडी कवर ऑन यूट्यूब. बट यस, इफ यू आर हैविंग द पर्पल एडिशन, जो सबसे पुराना वाला एडिशन था, उसके कंपेरिजन में देर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स, सो इट्स बेटर यू ऑप्ट फॉर द न्यू एडिशन ऑफ द ऑडिट नोट फॉर सीए फाइनल, परफेक्ट. ठीक है. आदर्श इज आस्किंग अकासर लाइव फास्ट्रैक जूम पर होगा कि नहीं? जूम पर नहीं होगा भाई, बीबी वर्चुअल्स की एक एप्लीकेशन है, वहाँ होगा. ठीक है, एक एक अच्छी क्वेरी है सर, सुधांशु ने पूछा है, एफएससीएम हाँ 6B सर, में मार्क्स नहीं आ रहे, सिद्धे सर आप जवाब दोगे इसका? एफएससीएम में उनके मार्क्स नहीं आ रहे, क्या क्या आप जवाब दोगे उनको? देखो इलेक्टिव इलेक्ट कौन सा वाला रेफर कर इलेक्टिव रही है इलेक्टिव एफएससीएम एग्जैक्टली? फाइनेंशियल सर्विसेज वाला. आई सर आपकी तो एक्सपर्टीज है, नहीं, मैं इसीलिए तो मैं थोड़ा वो हो रहा तो मैं हूँ बोल रहा हूँ ना, शिफ्ट मरवाओ. शिफ्ट. अच्छा, ओ आकाश समझ रहे हो, सर भी ना नॉटी है वैसे. प्यारी समझ गई. यार देखो, जिस बच्चे को एफएससीएम के लिए पूछना पड़ रहा है ना, इसका मतलब वो भी कंफ्यूज है, एफएससीएम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था. भाई साहब इकोनॉमिक लॉज लो ना यार, इकोनॉमिक लॉज में तुम्हारे मजा आएगा. आई थिंक आयुषी का है हाँ, आकाश सर के लिए. आकाश सर बाइंग एफआर लेक्चर बट कंफ्यूज्ड विद बिटवीन व्हाट गूगल टू ड्राइव हार्ड सिलेक्ट. कॉपी और लाइव हार्ड कॉपी. देखो आयुषी, अगर आपको लाइव बैठना है तो आप लाइव वाला चूज करो ऑप्शन. लाइव में आपको बैकअप भी मिलेगा, अगर आप किसी दिन लेक्चर मिस कर जाओ तो आप देख सकते हो रिकॉर्डेड. गूगल ड्राइव हंड्रेड में परसेंट इट इज ओनली रिकॉर्डेड, मतलब आप लाइव नहीं आ पाओगे, बट रिकॉर्डेड में आपको 1.7 व्यूज मिलेगा. आप रिकॉर्डेड अपने कन्वीनियंस पे कभी भी देख लो फिर सारे लेक्चर. तो आपको लाइव देखना तो लाइव विद हार्ड कॉपी चूज करो, रिकॉर्डेड देखना तो गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी चूज करो. दैट गोज नॉट ओनली फॉर एफआर बट फॉर ऑडिट एंड यस लॉ एज एग्जैक्टली. वेल. सर लेवेन जैन को ऑडिट फास्ट ट्रैक लिया, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, 16 से जो स्टार्ट हो रहा है. भाई साहब आ जाएगा तुमको, कंफर्मेशन कैसे नहीं आया? मेल आ चुकी होगी सर, मेल मैं आप चेक बता करो, मेल रहा चेक करो. कौन हूँ. है ये? अच्छा 11th को लिया है ना, 11th को 11th लिया है. को अमित लिया आप है, मेल चेक कल करो, स्पैम वगैरह में जाके प्रोसेस चेक हो करना, गया. प्रोसेस हाँ हुआ वो कल होगा. प्रोसेस. सर एक बात और मैं मजे की बात बताता हूँ सर, हाँ 11th को जो ये लिया है ना, ये भी हो सकता है ये bbvirtuals.com से नहीं लिया और ये कहीं और से लिया है. तो जहां से लिया है वो पार्टी पूरे ऑर्डर कलेक्ट करेगी, फिर वो bbvirtuals.com को देगी, एंड फिर उसके बाद जाके वो ऑर्डर प्रोसेस एक होगा बात सर. मैं ये भी क्लियर की पहले ही बात बोलता है. हूँ, अगर आपको लेक्चर चाहिए, अगर आपको जल्दी प्रोसेसिंग चाहिए, डायरेक्टली bbvirtual.com से बाय करो, जल्दी होएगा प्रोसेस, है ना? आपको लेना है फिर वेट करेक्ट करना, कहीं और से करेक्ट. लोगे तो वेट करना 2-3 दिन एक्स्ट्रा. ठीक है चलो, वंश का सर एक डाउट आ रहा है, मैं ले लूं क्या? बहुत प्लीज बहुत प्लीज बोल प्लीज रहा ले है सर लो. ये वंश. देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके FR, SFM, DT और IDT इन सबके लेक्चर्स हो चुके हैं तो भाई साहब ऑडिट उठा लो और एसेज और प्रोफेशनल एथिक्स खत्म कर लो, ठीक है. पर अगर अभी भी आपके DT और IDT के लेक्चर बचे तो उनको खत्म कर लो, और उसके बाद तक मेरा ये मानना है ऐसे नोटिफिकेशन ले आएगा और हम अपना नया बैच ले आएंगे, तो आप वो ले लेना फॉर नवंबर 23 रादर देन गोइंग फॉर द ऑडिट कोर्स राइट नाउ, ठीक है. थोड़ी सी देर बाद अपन मिल लेंगे क्लास में, बट हाँ इट विल बी बेटर हम नए कोर्स में मिले नए लेक्चर्स के साथ. Got it. अभिषेक मदान ने क्वेरी पूछा है सर, आप देख रहे हो गल्लू क्या? लो लो, मैंने देख लिया आकाश सर, एंड आई थिंक वो चीज काफी स्टूडेंट्स को रहती है. चलो मैं लेता हूँ ये क्वेरी. एक फ्रैंक सा क्वेश्चन है, वो कहते हैं यू आर गुड हाँ AK सर, बट यू हाउ यू हैव द मत लो गट्स. सर, मत लो सर, कंट्रोवर्शियल हो अरे जाएगा सुनो तो मैं थोड़ा. बताता हूँ ना, हाँ विराट कोहली थोड़ी ना सचिन से कम्पीट कर रहा है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो ठीक है. चलो समझ प्रशांत ने पूछा है सर, में प्रशांत आया, मेरा स्टूडेंट है, मैं लेता हूँ वो. समझ में. ले लो सर ले लो. FR में क्लास की जरूरत नहीं, बट गाइड कर दोगे कि वापस स्टार्ट कैसे करूं? मैं बताता हूँ. देखो प्रशांत, मुझे याद है आप स्टूडेंट हो, जिस सीक्वेंस में अपन ने FR को पढ़ा था क्लास में, उसी सीक्वेंस में आपको FR को वापस उठाना है, ठीक है. जब आप उठाओगे तो डर लगेगा आपको कि मुझे याद आएगा नहीं आएगा, है ना, मैं रिकॉल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे. तो क्या करना, आप जो भी चैप्टर चालू करोगे उस चैप्टर का पहले आप मेरा रिवीजन वीडियो देखना. रिवीजन वीडियो में मैंने कंसेप्ट भी रिवाइज करवाया, क्वेश्चन भी रिवाइज करवाया, आपको हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा, उससे आपको कंफर्ट जोन आ जाएगा. फिर आप उसी चैप्टर के जो कंसेप्ट आपको रिकॉल हो गए वो वापस मत रीड करना, जो कंसेप्ट रिकॉल नहीं हुए एक बार वापस रीड कर लेना और क्वेश्चन पे जम मार जाना. ऐसे उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने क्लास में किया उस सीक्वेंस में करो, आपका काम बन जाएगा प्रशांत, ठीक है. गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. दीपेश कह रहे सर आपका फास्ट ट्रैक लिया था, 49 आए ऑडिट में, और मेरा ग्रुप 1 भी पास नहीं हुआ, तो मुझे एक बात बताओ मैं मई 23 के लिए कैसे प्लान करूं? तो दीपेश मेरे दोस्त, परसों ही सर हमने जूम सेशन किया था, एंड आई थिंक उसमें हमारे पास 30-40 बच्चे थे जो बैठे हुए थे, जिनका मामला थोड़ा बिगड़ गया था और उनको मई 23 में पेपर देने हैं. पूरी डिस्कशन हो चुकी है, तो दीपेश मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, टेलीग्राम ग्रुप पे आओ और सेशन वगैरह पे अटेंड करो. वीकेंड पे हम एक और सेशन करेंगे,
एंड उस सेशन का पार्ट बनना, हम आपको और गाइड करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, पढ़ना तो शुरू करो, सैटरडे की वेट कर क्यों कर रहे हो। एफआर के देखो 49 तुम्हारे ऑडिट में आए और तुम्हारा ग्रुप वन क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाकियों में भी तुम्हारे 40 और 40 से दिक्कत कम रहे। ऑडिट नहीं है, दिक्कत तुम्हारे बाकी प्रैक्टिकल है जहां तुमने एग्जेम्पशन स्कोर नहीं किए हैं। ऑडिट राइट, में ऑफकोर्स वो आप प्रैक्टिस करोगे तो 50+ पहुंच जाओगे आप। यस, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे भी तुम्हारे 40 से कम है, तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो जो बच्चा, आई थिंक सर ऐसे ना बहुत सारे बच्चे होंगे कई बार बोल नहीं पाते, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे भी आपके 40 से कम है या 40 है, उनमें फोकस करो, 10-15 दिन हर सब्जेक्ट को दो, और कम से कम टारगेट करो कि फेब्रवरी एंड तक आपके सारे सब्जेक्ट्स की 10-10 दिन देके एक फर्स्ट रिवीजन प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो जाए। एंड मेक श्योर करना, तुम अपने आप को 30 बार खाना समझो कि मैंने एक बार कर रखी है तो मैं इस बार ना ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करूंगा, नहीं, यू आर डूइंग इट जस्ट एज अ फर्स्ट टाइम स्टार्टर वुड डू। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, चाहे आप एफआर पढ़ रहे हो, हर क्वेश्चन को स्टडी मटेरियल के लिख के करना है, चाहे वो तुमको आसान लगता है चाहे मुश्किल लगता है। अभी तुम कोई नहीं हो जज करने वाले कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, तुम्हारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब क्वेश्चन होने लग जाए फिर एक बार देख लेना कि कौन से क्वेश्चन है जिनमें तुमको दिक्कत आ रही है, उनको फिर नेक्स्ट रिवीजन पे लेके जाएंगे, ठीक है। एंड रही अच्छा बात मैं, ऑडिट की, तुम ग्रुप में आओ, गाइड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा दो क्वेरीज मैं बस ले रहा हूँ। यस यस आदिश आदिश का आया है, सर आपके रिवीजन वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे। आदिश, मोस्टली द रिवीजन वीडियोस फॉर नवंबर 22 विल वर्क, मेजर अमेंडमेंट, और उसी से लिंक्ड एक और क्वेश्चन है अमेंडमेंट्स का। सो मेजर अमेंडमेंट हैज बीन इन फेमा एंड दैट इज एन एडिशन, दैट इज नॉट अ चेंज। सो एडिशन हुआ है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस का, जिसका लेक्चर अलॉन्ग विद नोट्स हैज बीन अपलोडेड अराउंड 7-8 डेज बैक ऑन द चैनल, तो वो आप देख सकते हो। एंड रिविजन वीडियोज नवंबर 22 की रेफर हो सकती है, मेजर चेंजेस नहीं है, मेजर एडिशन है, तो एडिशनली सबको ही पढ़ना है। सो टू क्वेरीज ये थी। धवल का क्वेश्चन है सर कि मैं ऑडिट, मेरे को ग्रुप वन के लिए रिवाइज करना है, कैसे करूं। धवल, मैंने लास्ट क्लास जो लेता हूं ना टैक्स ऑडिट की, उसके बाद मैं पूरा प्लानर बना के देता हूं, विद प्लानर में प्रॉपर वीडियो देता हूं, जिसमें आपको मैं बताता हूं कि कैसे कैसे किस फ्लो के साथ आपने चैप्टर्स को करना है। वो वीडियो आप अपने गूगल ड्राइव में देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे आपने चीजों को करके करना है, ठीक है सर। और कोई डाउट ले लो। सर एक क्वेरी था, सिद्धेश्वर सर आप आंसर कर पाओगे, किसी ने पूछा था कि इकोनॉमिक लॉ में उनको आंसर नहीं मिलते एग्जाम में, ओपन बुक वाले में, तो इसका क्या इलाज है सर बताओ, मतलब 3 बार पढ़ने का भी आंसर नहीं मिल रहा, वो ऐसा कह रहे हैं। सी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे कि अपने पास आंसर नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं दैट स्टूडेंट, मेरे को नाम नहीं पता, इधर ही और शी कैन कनेक्ट विथ मी वंस कि व्हाट स्पेसिफिक क्वेरी डिड यू रिसीव, या ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि जिसमें ऐसा कुछ यू आर फेसिंग, बट इकोनॉमिक लॉज में जनरल इशू नहीं आता है। सो दैट पर्सन कैन कनेक्ट विथ मी वंस, हो परफेक्ट, सकता है टॉपिक हमारा नहीं पता हमें ढंग से, क्योंकि फेमा और इसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पढ़ने के बाद भी एमसीक्यू से आइडिया लगता है कि नहीं भाई ये नहीं पता हमें ढंग से, तो वो एक बार आप कनेक्ट कर सकते हो जिसने भी पूछा था। कूल। शुभम और सर जिस एक जिस बच्चे क्वेरी को, लोगे, हाँ शुभम मैं सर एक लेता हूँ क्वेरी सर, मैं बता क्वेरी दो। लेता हूँ 1 मिनट, एक छोटी सी बात बता दूँ, एक एडमिन वाली ना बड़ी मामूली बातें पूछ रहे हैं बच्चे। हाँ यार, देखो सिंपल सी बात है, जिस जिस बच्चे को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला या तुम उस ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे, प्लीज अपनी जो डिटेल्स है ना, फिर से मैं मेल आईडी बता रहा हूँ, बड़ा आसान है, caFinalAuditClass@gmail.com, अपनी जो बैच रिसीट है उस पर भेज दो अपने नाम के साथ, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ, टीम को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तुम सब 2-3 दिन के अंदर अंदर उस ग्रुप का पार्ट बन जाओगे, ठीक है। अभी तक सर काफी बच्चे बन चुके थे, ये कुछ रह जाते हैं, इन्हीं के लिए बस मैं बोल रहा था। अब आप बता दो सर क्या क्वेरी है। अब वो क्वेरी चले गए सर, नई क्वेरी लेते हैं अभी, मेरे को पता नहीं कहाँ चलो निकल, अच्छा ये ओके आ गई आ ओके गई, ओके वापस आ गई। सर वो बोलते हैं फेल्ड इन ग्रुप वन और ग्रुप टू के 70% सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, क्या दो ग्रुप देना चाहिए। सर, आई फील अगर इनके ग्रुप वन में 160+ हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इनके लगता है 160+ भी नहीं, चलो मान लो 170 है कम से कम, अगर 170 है ग्रुप वन में और ग्रुप टू के आपने 70% कंप्लीट कर लिया, तो मैं ये बोलूंगा पहले 30% ग्रुप टू कंप्लीट कर लो, एंड ये 30% आपका मिड फेब्रवरी तक ट्राई करो हो जाए, मिड फेब्रवरी या फेब एंड तक। जब फेब एंड तक आपका ग्रुप टू हो जाएगा तो मार्च में कहीं ना कहीं आप फोकस कर सकते हो कि आप ग्रुप वन को रिवाइज कर दो। यू कैन से 8 4 32, लगभग 7-8 दिन, 7-8 दिन करके, एंड अप्रैल में आई फील आपको पूरा का पूरा फिर बोथ ग्रुप्स को रिवाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बोथ ग्रुप्स तब दे सकते हो अगर 170+ है ग्रुप वन में। वो कह रहे 145 है, अगर 145 है तो भाई साहब सिर्फ ग्रुप वन दो, आई फील सो, या फिर अगर आप ग्रुप चलिए टू में ज्यादा कंफर्टेबल अभी फील कर रहे हो, मजा आ रहा है, नया नया पढ़ा है, तो फिर आप ग्रुप टू के साथ आगे बढ़ सकते हो, है ना सर, क्या आप बोलते हो जब आप, पढ़ोगे ना, गलत मेरे को लगता है बोल जब पढ़ोगे आप तो पहले एक ग्रुप उठा लो, ठीक है, पहले उसको रहे। तमीज से पढ़ लो,
वो पढ़ने के बाद देखो समय कितना बच रहा है आपके पास. इफ यू हैव दैट इनफ टाइम कि आप सेकंड ग्रुप का भी जो पेंडिंग पार्ट है वो कंप्लीट करके कर लोगे तो फिर अलग बात. बाकी अगर आपको लगता है नहीं नहीं पहले ग्रुप करने में यार पहली बार पढ़े उसको रिवाइज किया मॉक टेस्ट उसमें समय चला गया तो आपको एक एक ग्रुप देना चाहिए सर, फिर मेरा एक इनपुट है इसके ऊपर प्लीज. स्पेसिफिक, ऐसे क्वेरीज काफी सारी आई थी जो अभी आई थी ना, कि हम सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। हाँ एक चीज सिंपल समझनी है कि कभी कभार हो सकता है कि हमारे पास सिंगल ग्रुप के कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम है, बट इतना नहीं है कि हम बोथ ग्रुप्स का 8 सब्जेक्ट संभाल पाए। करेक्ट तो उसके अंदर ना बच्चों को गिल्ट नहीं फील करना कि मैं सिंगल के लिए जा रहा हूँ, उनको ना कंफर्मेशन चाहिए होती है कि पर फैकल्टी बोल दे कि नहीं सिंगल जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट उनको कि यार मैं ना मतलब कर रही गुड है पॉइंट प्रिपेयर, गुड बट पॉइंट. अगर लग रहा है प्रेशर बनेगा अननेसेसरीली तो आप ये भी सिचुएशन लो, हो सकता है पेपर के बाद दोनों में हम फिर नेगेटिव रिजल्ट फेस करें। सो इट्स ओके, मतलब जरूरी नहीं हमें 6 महीने प्रेशर के अंदर ही पढ़ना है, हो सकता है हमारे पास 10 दिन एक्स्ट्रा है, थोड़ा रिलैक्स करके एक ग्रुप 70-80 का एम लेके हम पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके, जरूरी नहीं है प्रेशर लेके पढ़ना। आकाश सर आपका एक डाउट है, लाइव बैच की लिंक मेल पर आएगी क्या और कब आएगी बता दो यार एक बैच के टाइम। 2 दिन पहले वो आ जाएगी आपको मेल पर यार. ये एडमिन वाले क्वेरीज ही है. शुभम सर और एक अच्छी क्वेरी दूसरा आई है, एक अच्छी हाँ क्वेरी आई है वो ले लो आप पहले. बताओ। इंटर को लेकर है कि उनके अभी इंटर ग्रुप 1 क्लियर हुआ है उनका, तो ग्रुप 2 अभी पढ़ाई चालू करने वाले हैं वो, तो टारगेट क्या रहना चाहिए कि कब तक उनका फर्स्ट रीडिंग वगैरह हो जाए. सर मेरा ये मानना है फर्स्ट रीडिंग इनकी कम से कम, आई फील सो, फर्स्ट रीडिंग क्या मैं बोलता हूँ, लेक्चर्स भी अगर आपने कंप्लीट कर लिए ना, कब तक बताऊँ, मार्च एंड तक भी कर लिए, तो भी काम यू हो आर इन अ जाएगा. गुड पोजिशन टू गिव सेकेंड ग्रुप इन मे. करेक्ट ठीक है, सारे लेक्चर्स, और लेक्चर कंप्लीट करने का आई होप मेरे को मतलब नहीं बताना पड़ेगा, लेक्चर कंप्लीट करने का मतलब है लेक्चर्स प्लस उसके साथ विद जो क्लास टेस्ट होते हैं, सेल्फ रिविजन रिविजन, करेक्ट. एवरीथिंग यू नीड टू कंप्लीट होल हार्टेडली. ऐसे मतलब कि कल को कोई अगर आपका टेस्ट ले ले तो क्लियर करने लायक रहो. सर एक क्वेरी और थी, बच्चा कह रहा है सर सब सब्जेक्ट में 50 आ रहे हैं, ऑडिट में 50 नहीं आ रहे हैं, मेरे को बस उनको एक ही बात बोलनी है, अपने आप से सवाल पूछो मेरे से नहीं. ठीक है, आस्क योर सेल्फ, आप ऑडिट में नंबर क्यों नहीं ला पा रहे. ऑप्शन 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत है. ऑप्शन नंबर 2, कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट एग्जाम में याद नहीं आता पढ़ा क्या था. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, याद कर लिया बट ये समझ में नहीं आता किस क्वेश्चन के नीचे क्या लिखे. ठीक है, ऐसी 4 चीजें हो सकती है. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में ही दिक्कत है तो क्लास लेनी चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक है, चीजें याद नहीं हो रही, तो ये अपने आप से पूछो क्या मैं खुद याद कर सकता हूँ, या अगेन मुझे ऐसी क्लास चाहिए जिसमें मुझे याद करवा दिया जाए. अगर लगता है खुद याद कर सकता हूँ, गो अहेड, टाइम दो ऑडिट को 15 से 20 दिन, याद करो और उसके बाद रिवाइज करो 2 से 3 बार, फिर बताना मुझे यूट्यूब सेशन में जो हम अगले एग्जाम रिजल्ट्स के बाद लेंगे कि सर हाँ एग्जामिशन आ गई, आपने बिल्कुल सही कहा था. बट अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे गाइडेंस चाहिए, क्या याद करना है, क्या समझना है, कैसे इंटरलिंकिंग करनी है, देन गो अहेड विद द फास्ट ट्रैक बैच, तुमको मजा आ जाएगा. ठीक है, एंड रही बात क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने की, तुमको याद भी है चीजें, कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं बट क्वेश्चन में इंटरलिंकिंग नहीं बैठ रही, तो आपको भी इसका आंसर पता है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट, तुमको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं. ठीक है, तो आई थिंक मैंने सर सारे सिनेरियोज यहाँ पे कवर कर दिए, अब आप परफेक्ट कोई और बढ़िया सा डाउट उठा लो. सौरभ कह रहे किस क्वेश्चन में क्या लिखे कितना लिखे. सौरभ आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए. परफेक्ट. सर किसी ने कहा FRSFM एग्जेम्प्ट हुआ है, टोटल 196 है, ग्रुप 2 में बस SCMP 50% क्लास बची है, बाकी सब हो गया, तो आप बोथ जा सकते हो. बढ़िया यार आपके मतलब, क्योंकि नो दो दो ब्रेनर। सब्जेक्ट बचे और वहाँ 3 बचे तो हो जाएगा आपको मतलब ऐसे. बीबी वर्चुअल क्या आप मोटरोला पे क्यों नहीं चलती. सर मोटरोला, मोटरोला से दुश्मनी नहीं है, आई थिंक उसमें ना एंड्रॉइड की कॉन्फ़िगरेशन है कुछ, करेक्ट एंड्रॉइड करेक्ट, 8 एंड अबव है शायद से, ये राइट, तो वो जो एंड्रॉइड 8 एंड अबव है मेरे को लग वो रहा है मोटरोला मोटरोला में में आया वो ही नहीं नहीं चल, है. हाँ मोटरोला में आया ही नहीं है. करेक्ट. टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए. ICAI की बेस्ट होती है टेस्ट सीरीज, खुद दो खुद चेक करो. सर क्या फायदा होता है ICAI की मॉक टेस्ट सीरीज का, थोड़ा बताओगे. ICAI की मॉक टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट फायदा है कि भाई वो एज पर एग्जाम पैटर्न होती है सबसे पहली बात, राइट. क्या और बात टेस्ट सीरीज का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि जो टेस्ट तुम्हारे एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आने वाले वो तुम्हारे मॉक टेस्ट में तुमको दिख जाए, वैसा नहीं होता. मॉक टेस्ट का बेसिक मतलब होता है कि तुम चेक करोगे कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन तुमको रिकॉल नहीं हो रहे, कौन से चैप्टर में तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे और कौन से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तो उसके लिए तुम कोई भी मॉक टेस्ट दे दो. और ICAI का मॉक टेस्ट बेस्ट इसीलिए बिकॉज वो एग्जाम के हिसाब से होता है, खुद दो खुद चेक करो ताकि खुद की गलतियां खुद को मिले और किसी पे तुम डिपेंडेंट ना रहो. और हाँ बाय द वे, तुमने अगर किसी फैकल्टी से क्लास ले रखी है और वो फैकल्टी तुमको डेली बेसिस पे क्लास वगैरह कंडक्ट करवाता है, तो वो भी आपको देनी चाहिए. डेली बेसिस चैप्टर वाइज हो गया, 2-3 चैप्टर के हो गए, फुल सिलेबस हो गए, वो आपको 100% देनी चाहिए. सर. रेखा का एक डाउट है SCMP को लेकर, सर ये भी ना एक बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है बच्चों का, ले लूँ SCMP के लिए कौन गाइड करेगा बताओ सर, कौन थोड़ा मैं हेल्प. लेता हूँ, सर मैं शुभम लेता हूँ. सर ले लो. शुभम सर क्यों, आपके कितने आए थे.
मेरा SCM भी नहीं था, कॉस्टिंग था। मेरा भी अच्छा कॉस्टिंग था इसलिए। हाँ बस ये क्या पुराने पुराने पेपर्स आ गए है ना। हाँ वो सर ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड यस FR भी देखे। हाँ यार देखो SCMP में ना मैं फ्रेंकली सबसे पहले ना आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, SCMP स्ट्रेटेजी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो वो देखनी है। दूसरा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक ना केस स्टडी डाइजेस्ट नाम की चीज आ गई है जो आजकल बच्चों को डाइजेस्ट नहीं हो रही, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है ना, मेरा एक फ्रेंड है मनन पुजारा, उसने अपने यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे केस स्टडी डाइजेस्ट के वीडियोज डाल रखे हैं। आपको मजे की बात बताता हूँ सर, इस केस स्टडी डाइजेस्ट में ना कम से कम आईसीए ने 20 से 30 नंबर का पूछा इस बार, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में, मतलब मुश्किल पेपर था इस बार, नए क्वेश्चंस थे, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन उन्होंने 10 से 20 से 30 नंबर के दे दिए केस स्टडी डाइजेस्ट से, क्योंकि उनको पता था ये बच्चे करके नहीं नहीं जाएंगे। करके तो जाएंगे। जिस जिसका SCMP क्लियर नहीं हुआ, सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए आईसीआई के सारे क्वेश्चंस करना, स्टडी मटेरियल प्लस केस स्टडी डाइजेस्ट, एंड केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना कि पढ़ना आपको हर पड़ेगा चीज नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स दैट दे हैव टेस्टेड, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो यू आर एबल टू एटलीस्ट अटेम्प्ट इट। जीरो से बेटर है, कुछ तो आएगा, तो वो बेटर है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करो, एंड समय देने से मत घबराना। ये मत सोचना कि मैं SCMP पहले कर चुका हूं या कर चुकी हूं तो 5 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा, फिर से आपको 10 से 15 दिन देने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू सिक्योर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन SCMP। ये सब्जेक्ट ऐसा है थोड़ा उठाने में ना घबराहट होती है, मुझे भी बहुत होती थी, बट फ्रेंकली जैसे जैसे आप एक बार प्रैक्टिस करके चलते हो, और आईसीए के ना जब स्टडी मटेरियल में आप जाओगे ना, देखना कहाँ कहाँ हेडिंग लिखी, उसके नीचे कहाँ कहाँ चार चार पांच पांच पॉइंट है, जहां जहां चार चार पांच पांच पॉइंट दिखे ना, समझ लेना एग्जामिनर इसको उठा के क्वेश्चन पेपर में डाल सकता है थ्योरी के फॉर्म में। तो प्लीज इनको अच्छे से कर लेना, और यार एबीसी एनालिसिस से मत पीछे मत भागो। कई सर की टीचर्स ने कहा बजटिंग का जो चैप्टर है वो सी कैटेगरी का है, और जो बच्चे फिर वो बजटिंग नहीं करके गए तो एक दिक्कत तो हो गई। एबीसी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई तुम ए कर लो बी कर लो सी छोड़ दो। एबीसी का मतलब हाँ शायद ये होता है कि ए और बी पे ज्यादा फोकस करो, सी करो छोड़ो मत, थोड़ा कम फोकस रहेगा तो चलेगा, हाँ लेकिन लास्ट 1.5 डेज में देखो ना तुम क्या करेक्ट एबीसी है। करेक्ट। हाँ हाँ मतलब पहले स्टार्ट तो नहीं पीछा कर करके सकते जाओ हम, भाई, स्टार्ट एबीसी से स्टार्ट नहीं हो सकती कोई भी स्टडी। इफ वी आर डूइंग दैट फिर तो हम गलत रिस्क है, दिशा पे स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब मेरे को तो एबीसी बच्चे के पूछते हैं चैप्टर सर में सी तो छोड़ दूं क्या, रहता मतलब सी छोड़ दूं क्या। मैं बोला भाई है अगले सर, मैं कह छह रहा हूँ महीने पढ़ना एबीसी मैं के चक्कर, एबीसी के चक्कर में एफ हो रहा है, एबीसी मत करो भाई इतना ज्यादा। और सर एक बात और, एबीसी में एबीसी भी ठीक है एक लेवल पे, मैं बताता हूँ एबीसी भी एक लेवल पे ठीक है, पर बच्चे क्या करते हैं ना ए कैटेगरी में भी एबीसी कर लेते हैं अंदर, कि यार ये सवाल छोड़ो ये सवाल कर लो ये सवाल, तो कंप्लीट कवरेज जब तक नहीं करोगे मेरे को नहीं लगता यार आईसीआई आपको पास होने देगा। और कहीं ना कहीं वो जो कैटेगरीज है ना जो मेजरली सी में रख रहे हैं, दैट कैन बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर यू। जो ढंग से करके जाएगा वो पेपर मुश्किल नहीं आएगा, बस इधर उधर का भी पूछ लिया, स्टिल आपके लिए वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सकता है। रैंक का फर्क पड़ सकता है, करेक्ट 60 का फर्क पड़ सकता है, तो करो सब कुछ करो यार। सर, एक ना एक डाउट आ रहा है आर्यन अग्रवाल का ना, बड़ा परेशान है ये, पता है क्या कह रहा है, कह रहा है शुभम सर आपका ना मैंने फास्ट ट्रैक तो परचेज कर लिया, पर उसमें आपने लिखा है कि आप चैप्टर 9 नहीं कराओगे। तो देखो सबसे पहले तो सर मैं बताता हूँ, चैप्टर 9 ना जो चीज है ना वो मेरे कराने से कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज पॉइंट क्या है, दैट इज ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड लॉ, जो आप अकाउंट्स और लॉ पढ़ते हो उसी के बेसिस पे आपने उसका आंसर देना होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, ठीक है, या सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस चीज के लिए यूज होगा, इसमें ऑडिट कहाँ से आ गया, ये तो लॉ की चीज है। तो मैं सर चैप्टर 9 में बस यही कहता हूँ कि चैप्टर 9 में यू जस्ट नीड टू लुक एट द बोल्ड टॉपिक्स, जो भी बोल्ड टॉपिक्स है आपके वहां से हो जाएंगे, एंड रही बात आपकी कौन से लॉ के जो टॉपिक्स हैं, भाई लॉ के टॉपिक्स तो तुम लॉ में पढ़ के आए हो या करेक्ट डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हो एफर्ट्स की, तो वो तो तुम्हारे वैसे होने ही होने हैं, तो आई डोंट थिंक वो चैप्टर 9 को करने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी कोई रैंकर भी नहीं करके जाता, आई हैव टॉक टू सो मेनी रैंकर्स एट CA इंटर लेवल, बिकॉज जब भी मैं कोर्स डिजाइन करता हूँ आई डेफिनेटली अप्रोच देम, मैं ये देखता हूँ कि भाई बेस्ट बंदे क्या कर रहे हैं, बाकियों से तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। तो उनसे भी मेरे को यही गाइडेंस मिली कि लास्ट 1.5 डेज में दैट चैप्टर इज नॉट मैनेजेबल, तो मुझे तो तुमको पास कराना है, ठीक है, मुझे तुम्हारे सामने कोई अच्छा बन के नहीं निकलना कि भाई मैं कितना अच्छा बन जाऊं और फिर तुम कहो यार सर जो पढ़ाया वो तो 1.5 दिन में रिवाइज ही नहीं हो रहा। अब तुम आए भी तो इसीलिए हो ना इस चैट बॉक्स में कि पास होने ही आए होगे, मेरे को तो लगता है हम दोनों के गोल्स अलाइंड है इस एरिया में, अगर गोल्स अलाइंड है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं। रही बात बैच रिसीट की, जब आपने पेमेंट करी तो मेल आई होगी ना कोई, उसी को बैच रिसीट कहते हैं यार, और क्या बोले। ठीक है सर, और कोई डाउट सर ये एक है? क्वेरी आई है मेरे पास, नॉट एबल टू अटेम्प्ट इवन 80% पेपर ऑफ FR इन एग्जाम्स, व्हाट शुड आई डू इन नवंबर 22 में 60 मार्क्स का हो पाया, गॉट ओनली 49। भाई सर मैं साहब इसका जवाब दूं, प्लीज दे दो, एक प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। एक लाइन बोलूंगा उसके बाद आप कर लेना। हाँ फिल्में ना सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और ठीक है FR या फिर कोई भी प्रैक्टिकल पेपर हो उसकी 100% जो कहते हैं ना
कंप्लीशन वो तभी होती है जब आप करते हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भाई साहब बस खत्म। सर, एक शादी के ऊपर बड़ा सवाल है आपकी, शादी कब शुभम कर रहे का। बोलते बहुत रिपीट सर आ रहा है और जो बच्चे क्लियर नहीं हुए ना वो गाली ये देंगे सर, कहेंगे कैसे कैसे टीचर है, ठीक है ये अय्याशियों की पढ़ी है इनको अपने, हम यहाँ पे क्लियर नहीं करें इनके, इनको शहनाइयाँ बजवानी है। देखो रंजन सर, रंजन का क्वेश्चन आया, रंजन का क्वेश्चन आई थिंक हम दोनों को लेना चाहिए। वो कह रहा है मेरे ऑडिट में 35 आए हैं, लॉ में 38, कह रहा है क्लास लूं या सेल्फ करूं। रंजन अगेन ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए, सवाल आपको अपने आप से होना चाहिए। क्या आपने जब 35 और 38 लाए, क्या आप इसको खुद अपने बेसिस पे, अपने बलबूते पे जो आपने सीख रखा है उसके बेसिस पे आप इसको पास की तरफ ले जा सकते हो? क्या आपने जब क्लासेस की थी तो उनको पूरी शिद्दत से किया? क्या आपने चीजों को समझा? क्या आपने चीजों पे टाइम दिया? अगर नहीं किया ये सब, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैचेस। बट इफ यू हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, इफ यू हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, एंड इफ यू फील यू कैन स्पेंड टाइम इन लर्निंग, गो अहेड विद सेल्फ स्टडी, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, करेक्ट, आई दोनों थिंक ऑप्शन है आपके पास। वलिम्बे सर अगर आप गाइड करना चाहो आप सेम सेम पूछो। आई थिंक पिन पॉइंट करना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चे का 60-70 का अटेम्प्ट हो रहा है, तो वहां पे हमें मेजर पॉइंट मिल गया कि हम 30 तो जीरो करके आ रहे हैं और 70 में से 35 ला रहे हैं, तो 50% पे हम है। सो वंस यू अंडरस्टैंड एंड पिन पॉइंट वॉट इज द एग्जैक्ट एरिया ड्यू टू विच आई स्कोर 35, अपने आप डिसीजन मिल जाएगा कि क्लास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, राइटिंग स्पीड की जरूरत है। तो वो अंडरस्टैंड और आप ही को करना है, कोई भी फैकल्टी आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता वाला। करेक्ट। राइट सर, एक और क्वेरी है सर, प्रतिभा ने पूछी है कि क्या अगर वो चार ग्रुप वन के सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक देखे तो क्या May 23 में पॉसिबिलिटी है? द आंसर इज यस, 100% पॉसिबिलिटी है। लेकिन 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 उसमें एक कंडीशन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको है ना एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा, मतलब आप अगर 6-7 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको 10 से 12 घंटे की रोज़ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करना पड़ेगा एटलीस्ट मार्च मिड तक आप सब कुछ निपटा दो। और जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो क्लासेस के साथ सिर्फ क्लास मत देखते हुए चलना, आपको डेली बेस पर उसको रिविजन करना पड़ेगा ताकि 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 आपका उसको जल्दी कंप्लीट कर पाओ। और आपका फर्स्ट क्लास देख करने का मतलब हो जाएगा आपका फर्स्ट रीडिंग भी कंप्लीट हो गया, है ना? बिल्कुल सही बात है। शुभम सर प्लीज राइट ईमेल आईडी इन चैट फॉर टेलीग्राम। अरे सीए फाइनल ऑडिट क्लास, सीए फाइनल ऑडिट क्लास, अरे सीए फाइनल नहीं लिख पा रहे, बताओ मैं क्या बोलूं अब। सीए फाइनल ऑडिट क्लास, सीए फाइनल ऑडिट क्लास @gmail.com। लो याद करवा दिया, जाओ। सर आप ऑडिट पढ़ाने आ रहे हो क्या? बस ठीक है, डाल दी मेल आईडी भी डाल दी सर, अब क्या करें। जान बढ़िया बढ़िया, 11 बज गए सर, 11:05 हो गए, वाह क्या बात है। ऑडिट सर, माई अटेम्प्ट इज इन May 24, हाउ टू स्टार्ट सी ए फाइनल क्लासेस, बता दो सर। अब तो मतलब आई थिंक हमने पहले भी बता दिया था, फिर भी एक बार बता दो मैं सर एक बता देता बार। हूँ सर, स्टार्ट विथ SFM एंड FR फर्स्ट, ठीक है। SFM और FR में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, स्पेशली FR के अंदर मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है मेरे चैनल पे जहाँ मैंने बताया है कि एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या हो सकते हैं, हार्डली 5-10% है, तो आप अभी ले लोगे और चेंजेस जो भी फैकल्टी प्रोवाइड आपको करवाई देगा, ठीक है। तो आप FR या SFM दोनों में से किसी एक से शुरू करो, और फिर जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल खत्म होंगे देन यू कैन टेक अप ऑडिट, देन DT IDT वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अजय का आई थिंक एक क्वेश्चन है। अच्छा सर, विल इट बी गुड चॉइस टू डिफर अटेम्प्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? आकाश सर, आपका क्या पर्सनल व्यू है? चॉइस आई मतलब थिंक हाँ पर्सनल, एकदम एग्जैक्टली मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपको अगर ऐसा है कि मैं पहले नौकरी वोकरी सिक्योर कर लूँ अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बेसिस पे, ताकि कैंपस वगैरह में हेल्प हो जाए तो कर लो डिफर, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कर लो डिफर। आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं सीए बनना, जैसे मैं होता ना सर मैं नहीं करता डिफर, ठीक है। मेरे लिए सीए बनना फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं नहीं करता कोई डिफरमेंट वगैरह, मैं दे मेरी देता अटेम्प्ट, ठीक सर है। मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू यस से, प्लीज रखिए सर, बिकॉज बताओ सर बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगा। इफ द ब्रांड नेम इज देयर और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ठीक है 6 मंथ, मतलब पहला मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है एंड आई कैन टेक दैट 6 मंथ्स अगेंस्ट, जैसे शुभम सर आपने लास्ट वाले सेशन में बताया था कि इफ यू आर डेफर कर लो ना, आप गेन क्या कर रहे हो? तो अगर इसमें मेरा अच्छा ब्रांड नेम है एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी अ गुड वेटेज इन माई CV, आई डोंट माइंड डेफरिंग बाई मंथ्स इफ माई पास्ट रिकॉर्ड इज ओके एंड ज्यादा टाइम मुझे नहीं लग रहा ओवरऑल। सर बिल्कुल सही है, एंड आई थिंक अब तो ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काफ़ी 6 महीने की भी लीव मिल जाती है कहीं ना कहीं बच्चों। करेक्ट करेक्ट, एंड मेरी एक स्टूडेंट है, उसने वर्ल्ड बैंक से अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, सो शी गॉट अराउंड 4 मंथ्स, बट बच्ची ने पूरी लग के मेहनत करी है सर, एकदम लग के, एंड शी हैड क्लियर बोथ द ग्रुप्स। क्या बात है तो बताओ पॉसिबल तो देखो है, बोथ सर, ग्रुप्स भी क्लियर हो इंडस्ट्रियल वाले जाएंगे, रैंक भी लाते हैं कभी कभी। हाँ रैंक भी लेके आते हैं। अरे सर मेरे अटेम्प्ट में कोमल जैन AIR 1, ठीक है, कैडबरी कुछ भाई मीठा साहब हो जाए, ठीक बताओ, है, भाई साहब बताओ। मोंडलीज मोंडलीज इंटरनेशनल से उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी,
तो वही है सर, करने वाला तो कर ही लेता कर है लेता मेहनत, है, सही बात बहाने है। बनाने वाला बहाने बनाते रहता है, और क्या बोले सर। एक सर एक छोटा सा डाउट है, बच्चा कह रहा है मैंने आपसे क्लास नहीं ली है, बट आप मेरे को एक बार गाइड कर दो कि मैं ऑडिट को किस फ्लो में पढ़ूं। तो मैं जैसे अपने क्लास के बच्चों को बोलता हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, पहले आप प्रोफेशनल एथिक्स करो, उसके साथ पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू करो, और SQC 1 SA 220, ये सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनको आप निपटा लो आराम से मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन देके, ठीक है। उसके बाद आप जाओ कंपनी ऑडिट के पैक की तरफ, कंपनी ऑडिट हो गया, LODR हो गया, ऑडिट ऑफ CFS हो गया, CARO 2020 हो गया, SA 700 की सीरीज हो गई, इसको भी आप 4 दिन देके आराम से करो, 4 और 3 7 दिन आपके यहाँ पे हो गए, एंड मोटा मोटी आपका 40 से 45% CA फाइनल ऑडिट का सिलेबस भी हो गया। अब आपको जाना है बैंक ऑडिट, NBFC और इंश्योरेंस ऑडिट की तरफ, ये तीनों मिला के लगभग आपको 15 नंबर देंगे, एंड इनको करने में भी मेरा ये मानना है कम से कम आपके 2 दिन जाएंगे जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 दिन लगा लोगे तो अब कितने दिन हो गए सर, गिन लो यार प्लीज मेरे लिए ना, 9 दिन हो गए आई थिंक, है ना। तो 9 दिन हो गए, एंड 9 दिन के बाद गो फॉर स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग, 3 दिन दो स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग को, 12 दिन हो जाएंगे, एंड फिर जो 3 दिन बचते हैं उन 3 दिन के लिए आपके पास ढेर सारे टॉपिक्स है, PSU ऑडिट हो गया, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट हो गया, ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट हो गया, और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। इंटरनल ऑडिट के साथ आप SA 610 कवर कर सकते हो, ऑडिट ऑफ CFS जो ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ आप SA 600 कवर कर सकते हो। तो आई होप पूरा सर मैंने 15 दिन का प्लानर बच्चे को अब दे दिया, वो अपने हिसाब से कर लेगा, इंट्रोडक्शन चीजों को क्लास हो आगे पीछे करके सुन लेना। हाँ गई, इंट्रोडक्शन क्लास हो गई अपनी ऑडिट की। हाँ नहीं सर, इंट्रोडक्शन जी क्लास क्या है ये तो आखिरी में हम बताते हैं कि भाई ये जो हमने पूरा मामला बनाया है 50 दिन का, उस 50 दिन को तुमने 15 दिन में कैसे करना है, 10 से 15 दिन में, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। नो दीपेश, आई डोंट थिंक, मतलब वी डोंट थिंक कि ICA का पैरेलल अटेम्प्ट्स का कोई सुनने में आई है चीज, बट स्टिल अनलेस एंड अनटिल नोटिफिकेशन कम्स। सर मैं एक क्वेरी ले लूं शिवम के लिए, शिवम की क्वेरी है सर FR सर के लिए, कह रहे हैं FR के FR लिए? का फास्ट ट्रैक ठीक रहेगा क्या, करवा दोगे क्या सर। अरे सर, पहले FR का F भी नहीं आएगा, तुम्हारे रिजल्ट में मैं तेरे को F दिखने दूंगा ही नहीं, ठीक है? हाँ, पी पी आएगा सर, पी पी आएगा, आएगा। पी अच्छा एक और फॉर है ग्यारह कि BB पास, वर्चुअल्स पे जो FR का एग्जाम ओरिएंटेड है वही रेगुलर है ना भाई, वही रेगुलर है, ठीक और वो है, होने वाला है रेगुलर, वो ठीक रेगुलर है। ही है। हमें पता है कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर रेगुलर का है, रेगुलर का है, रेगुलर का है, वो बेचारा रेगुलर एग्जाम तो ओरिएंटेड रेगुलर के ही है नाम से यार बैठा हुआ है। एग्जाम, इट इज़ अ एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच, मतलब हम जल्दी टाइम में पूरा कोर्स एकदम स्क्रैच से खत्म करवा देते हैं, ठीक है? सर 59 मार्क्स इन ऑडिटिंग बिकॉज ऑफ योर यूट्यूब एंड नोट्स, मुझे बता दो रिवेल्यूशन की साइट कब खुलेगी यार। देखो मेरे पास तो उसकी चाबी नहीं है तो मैं तो नहीं बता सकता कब खुलेगी ICI। यार ICI के डाउट्स तुम हमारे पास कैसे ले आते हो, मुझे सर समझ में नहीं आती वैसे ये बात। आकाश सर आप बताओगे इसके पीछे राज क्या है, यही यही या ये तो, राज भी उसके साथ चला ये गया राज भी उसी के साथ चला चला गया। गया सर मैं अच्छा निकलूं क्या, मेरे आदर्श। को लेट हो जाएगा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि नहीं नहीं सर हम भी चलते हैं साथ साथ इट्स चलते बीन हैं। तो लेट बिकॉज मेजर मेरे ख्याल से काफी क्वेरीज है अपन, लेकिन हम लोग आते रहेंगे वैसे, विल बी हाँ देयर करेक्ट ऑल्टरनेट करेक्ट डेज या एवरी वीकली ट्वाइस सर, वीकली वंस मैं कोशिश तो कह रहा हूँ, करेंगे। मैं कहता हूँ सबसे परमिशन ले लेते हैं, क्या क्या हम सब जा सकते हैं सर, प्लीज हाँ प्लीज प्लीज हम हाँ बताओ, बोल दो वो यार ना एक बार, बोलेंगे, वो ना बोलेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं बैठो। हमको रिग्रेट नहीं होगा जाते हुए, हमको रिग्रेट नहीं होगा, प्लीज प्लीज बता दो यार, कह अपन दो, निकलने क्या, प्लीज कह दो चले जाए, जाए ना, जाने दो। पक्का गुड नाइट, गुड नाइट, सारे बच्चे गुड नाइट लिख दो यस। चैट बॉक्स अरे में। यस कह दिया, अरे बच्चे यस कह रहे सर, बताओ। अंकित ने तो दे थैंक दी यू भाई सो मच परमिशन, अंकित, थैंक तुम्हारे यू एकदम बेस्ट, आदर्श अमित ने भी यस। कह दिया, अरे भाई साहब चलो बच्चे चाह रहे कि चलो, तो हम वापस आएंगे, चिंता मत करना। उसके अलावा लास्ट चीज़ एक बता दूं भाई साहब, अगर आपको FR ऑडिट या लॉ किसी में भी दिक्कत है, इंक्लूडिंग DT में भी आपको दिक्कत है, तो हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस अवेलेबल है, फुल कोर्स बैचेस भी अवेलेबल है, BBVirtual.com पे जाके फटाफट से आप परचेस कर सकते यस हो, ठीक है? करेक्ट, तो थैंक यू गुड सो नाइट मच एवरीवन, एवरी वन, गुड हैप्पी नाइट, लोडी, एंजॉय, बाय बाय। हैप्पी लोडी, गुड यस नाइट, रॉक टाटा, करना गुड है भाई नाइट। May 23 में, ठीक है, घबराना आ नहीं गया है, भाई गुड नाइट, आ गया सबका। गुड नाइट आ गया, चलो चले चले चले, बाय बाय हाँ बाय, चलो टाटा, बाय जाएंगे। बाय।